क्या आपको भी अपनी मोबाइल की चार्जिंग के आइकन में आपको फोटो लगाना है तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैं टोटल जानकारी आपको देने वाला हूँ, कैसे आप इसको यूज करेंगे, टोटल सेटिंग्स में आपको दिखाऊंगा। तो क्या करेंगे, वीडियो को आपको फुल देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर आके आप यहाँ पर लिख के सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। कौन सी कंपनी का एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे और क्या सेटिंग कर रहा हूँ मैं आपको ध्यान में देखना है। एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कोई एड्स आ सकता है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो फ्री वाला एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे सिंपली हम ऊपर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट। तो मेरे फोन में आप देख सकते हैं 81% यहाँ पे चार्ज है, तो लेट्स स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, यस पे हम क्लिक कर देंगे और एक परमिशन आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हमारा कहाँ पे है वो आपको देखना है और उसके बाद इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। अभी हम यहाँ से बैक आ गए हैं, अभी आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन पहली बार मांग रहा है, अलाउ कर देना है। देखिए यहाँ पे एड्स आ सकता है क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको फ्री में यूज़ करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने का देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे थीम देखने को मिल जाएगा, मतलब चार्जिंग का थीम। जब आप चार्ज में लगाएंगे तो फ़ोन आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है। इसको टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम दिखाई देगा, 10 सेकंड के लिए दिखाई देगा, 30 सेकंड के लिए दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे 30 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल टैप हाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई ये मेरा हो गया है, नो थैंक्स पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन में। और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एड्स आ सकता है, तो एड्स को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो एड्स को यहाँ से सिंपली मैंने क्रॉस कर दिया। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे जो अप्लाई मेरा हो गया, ठीक है, अभी मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, तो अभी मैं फ़ोन को चार्ज में लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ से ले लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, तो बैक आ जाने के बाद आपको एक काम करना है। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो भी एडिटिंग एप्लीकेशन है उसमें आपको आना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपका फाइल मैनेजर पे ही मिल जाएगा। तो मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने फाइल मैनेजर को ओपन करके मेरा जो फोटो है उसको मैं ओपन कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं एडिट करूँगा। ठीक है, फोटो सही एडिट हो जाता तो एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रश का टूल आपको मिलेगा मेकअप के अंदर। तो मैं ब्रश टूल को यूज़ करके एक ब्लैक जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। क्या हुआ था, हम जब स्क्रीनशॉट जो मैंने खींचे थे उसके टाइम जो यहाँ पर टाइम अलग सा था। ठीक है, तो इसको हमें हटाना है यहाँ से, और एक रेड का जो मेरा स्क्रीनशॉट का जो मेरा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था उससे यहाँ पे रेड आ रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से मैं ब्लैक कर रहा हूँ इसको, मतलब बैकग्राउंड में जो स्क्रीनशॉट था उसे आपको सब कुछ हटा देना, बस आपको ये जो एनिमेशन है इसको छोड़ के। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली हटा देता हूँ और इसको भी रेड जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा तो ये हटा दिया मैंने। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया, सब कुछ यहाँ से हट गया है। ठीक है, पहले मेरा कैसा था, पहला ऐसे था, अभी मेरा क्या हो गया, ऐसे हो गया। मैं इसको दिखा देता हूँ फिर से ओपन करके, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब आपने जो बैकग्राउंड में जो स्क्रीनशॉट लिए थे जब टाइम था वो सब यहाँ पे हट गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो इसके ऊपर ही टैप करेंगे। इसके ऊपर टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस फोटो को हम क्या करेंगे, पिक्सेल लैब जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैंने पिक्सेल लैब को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो पिक्सेल लैब के अंदर ये यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको राइट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा आ गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक फोटो को इनपुट करेंगे। ठीक है, फोटो को इनपुट करने के लिए ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन आपको मिल जाएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम गैलरी, तो फ्रॉम गैलरी से मैं एक फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना किसी का भी फोटो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फ़ोटो को मैं ब्लैक वाला फ़ोटो इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप आपको देखना है, ट्रायंगुलर में था मेरा वो जो स्क्रीनशॉट था वो ट्रायंगुलर में था, तो मैं ट्रायंगुलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगुलर को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे मैंने एडजस्ट कर लिया, अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे राइट के ऑप्शन में। ठीक है, और इसके बाद इसको जो है हम मिडिल में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये चार्जेस का आइकन आ रहा था। ठीक है, इसको मिडिल में आपको सही से
यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इसको लगभग एडजस्ट कर लिया, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको साइड में टैप करना है और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डिफ़ॉल्ट क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं कौन सी क्वालिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज लो, वेरी हाई, ये सब आप कर सकते हैं। तो मैं वेरी हाई पे ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा यहाँ से सेव हो गया और एक एड्स आ गया है, तो एड्स को हम ऊपर से यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा गैलरी में सेव हो गया है। तो अभी सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो एप्लीकेशन की यूज़ अभी इंस्टॉल की है, ठीक है, चेंजिंग एप्लीकेशन का, उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। फिर से ओपन करने के बाद फिर से यहाँ पे एड्स आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्री वाला एप्लीकेशन है तो एड्स आना जायज़ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। कस्टम एनिमेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी अभी जो सेव किया है वो यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से आ गया है। आप किसी का भी फोटो यहाँ पर अप्लाई कर सकते। तो मैं यहाँ पर 30 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार सिंगल टच और जो हाइट हो जाता है डबल टच में कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे। अभी ये अप्लाई मेरा यहाँ से हो गया है, ठीक है। तो एड्स यहाँ पे आ गया है, तो एड्स को मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से हम सिंपली बैक कर दो, हटा देता हूँ, ठीक है। एकदम से इससे मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अभी मैं आपको चार्ज में लगा के दिखा देता हूँ ये कैसे दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं चार्जिंग को यहाँ पे लगा देता हूँ। चार्ज को मैं लगा दिया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज को लगा देने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो है लोगो कुछ इस तरह के से आएगा, मतलब कोई भी देखेगा तो चौंक जाएगा और आपसे जरूर पूछेगा भाई कैसे किया। तो आपने देख लिया कितनी आसानी से आप किसी का भी फोटो को अपने चार्जिंग के थीम में लगा सकते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने बच्चे का, मदर्स फादर्स, किसी का भी फोटो को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है इसको यूज़ करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स वॉचिंग।